जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने तीन वीडियो बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त पे आधारित प्रश्न के लिए। इंस्टॉलमेंट जब हम कोई सामान को खरीदते हैं तो उसे किस्त वाइज देते हैं, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस्त पे ही रहेगा। किस्त इसमें हमारे कौन कौन से टर्म्स आएंगे, एक होगा हमारा देय धन। देय धन वो धन होता है जो हम पूरा मिला के अपने सामान के लिए देते हैं, इसको हम पी से मान लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक किस्त का मान भी आएगा, प्रत्येक किस्त का मान आएगा, तो किस्त का मान जो होगा, प्रत्येक किस्त का मान, इसे हम मान लेते हैं एक्स, एक्स मान लेते हैं। अब इसमें हम 2 साल के लिए भी देंगे, भाई जो 2 किस्त में देगा सालाना वो 2 साल के लिए हो जाएगा, 3 साल के लिए भी हो सकता है, तो 3 साल की किस्त बनेगी 3 बार में, फिर आगे 4 साल 5 साल ये भी हो सकता है। तो जितने साल की किस्त बनेगी उतने ही सालों में हमें देना है। तो अगर इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर मैं मान इसको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो यहां से हमें मिलेगा देय धन बराबर, देय धन कौन सा, जो धन हमें देना है, ये बराबर हो जाएगा x बटा 1 प्लस r बटा 100। ये मेरी पहली किस्त का मान हो जाएगा, प्लस x बटा 1 प्लस r बटा 100, ये मेरा 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष के लिए आएगा, अगर मेरा 2 वर्ष के लिए आएगा, तो देय धन बराबर x बटा 1 प्लस r बटा 100, x बटा 1 प्लस r बटा 100 का होल स्क्वायर, ये 2 वर्ष के लिए। अगर इसी में हमको 3 वर्ष के लिए देना है, तो मैं आगे एक किस्त और बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा x 1 प्लस r बटा 100 के पावर 3, ये हो गया। तो अगर 2 वर्ष के लिए होगा तो 2 वर्ष के लिए आप यहां तक यूज करेंगे, 3 वर्ष के लिए होगा तो यहां तक यूज करेंगे। अगर किस्त 4 वर्षों की है तो मैं इसी में x बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर 4 में और ऐड कर दूंगा। तो आपने देखा कि ये किस्त पे आधारित प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत के सवालों के लिए किस्त पे आधारित प्रश्न ऐसे सॉल्व होता है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम लेंगे सवाल, और सवाल को ट्रिकी माध्यम से कैसे करेंगे, आप बेसिक से कर सकते हैं, पहले एक बार एक सवाल को बेसिक से करेंगे, फिर उसे हम ट्रिक से करेंगे। तो आइए अब देखते हैं इन किस्त पे आधारित प्रश्नों के लिए कुछ सवाल। आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल है हमारा 2 वर्ष बाद, देखिए 2 वर्ष बाद देना है, इसका मतलब 2 किस्तों में देना है। 1640 बराबर किस्तों, 16 दे धन, दे 1640, 1640 रुपए में देना है, तो ये दे धन हो गया, बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो पहले इसे हम बेसिस से देखेंगे एकदम। तो हमने देखा यहाँ पर जो दे धन है हमारा, दे धन जो है वो कितना हो जाएगा, वो मेरा 1640 रुपए है। दर जो आपको दी गई है आर, आर बराबर कितना दिया गया है 5%, वो भी वार्षिक, ये मेरा वार्षिक हो जाएगा। अब हमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि देय धन बराबर क्या होता है, देय धन बराबर होता है 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था x बटा 1 प्लस r बटा 100, ये हो गया, और एक और x बटा 1 प्लस r बटा 100 की पावर, ये 2 वर्ष के लिए है, 2 साल के लिए है, 2 साल में देना है, 2 वर्ष वाला मैं रखूंगा। जहां x क्या है, x जो मैंने माना है, ये मेरा प्रत्येक किस्त का मान है, प्रत्येक किस्त का मान है,
और यही हमें निकालना है। तो मैं रखूंगा दे धन के स्थान पे कितना मैं रखूंगा 1640 बराबर x मुझे पता नहीं, मैं यहाँ रखूंगा ये हो जाएगा r बटा 5 बटा 100, इधर कितना हो जाएगा x बटा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 बटा 100 की पावर। आप देखो 5 दूना 10 यहाँ हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1640 बराबर ये हो जाएगा x बटे 20 एकम 20 है 21, 21 बटा 20 प्लस 20 एकम 20 है 21, x बटा 21 बटा 20 की पावर। आगे आप देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इधर मैं लगा दे रहा हूं, आप देखेंगे ये हो जाएगा 1640 बराबर ये 20 मेरा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 x बटा 21 प्लस ये 20 ये 20 स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441, तो ये 400 ऊपर चला जाएगा 400 x बटा ये 441 आपका नीचे रहेगा। इधर मैं लासा ले लूंगा 1640 बराबर ये हो जाएगा मेरा 441 लासा हो जाएगा, इससे भाग करेंगे 41 आएगा, 41 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 820 x प्लस इधर हो जाएगा सॉरी ये 21 आएगा, 21 को जब मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 420 इधर रहेगा मेरा 400 x जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1640 बराबर ये 448 820 x बटा 441, ये इसको दो बार में काट देगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 441 गुणा 2, इसका मतलब जो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 882 रुपए, और यही इस सवाल का आपका आंसर है। आपने देखा इस सवाल को हम बेसिक से कैसे लगाते हैं, अब इसको हम देखेंगे कि ट्रिक से कैसे करते हैं, तो इसे आप एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि बेसिक आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अब इसे हम देखेंगे कि हम ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर आपको सवाल को समझने में दिक्कत हो रही है आप सवाल को बैक करके बार बार वीडियो बैक करके आप आराम से देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे ट्रिक की, तो ट्रिक में हमारा ये दर बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दर ले लीजिए 5%, इसको मैं लिख सकता हूं 5/100 प्रतिशत का 100 आ जाएगा, इसे मैं काटूंगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये मिल जाएगा 1/20, यहां तक बात क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद में ये जो 20 आया है नीचे इसे आप ऊपर लिख दीजिए, तो मैं इसे लिखूंगा 20/ ये जो दोनों का जोड़ आएगा 20 और 1 इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21, मैंने यहां पे लिख दिया। फिर मैं करूंगा गुणा और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 41 और बटे इस 21 को आप फिर लिख दीजिए, इसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहां पे आप लिख दीजिए किस्त इंस्टॉलमेंट किस्त में लिख दीजिए और यही बराबर आपका हो जाएगा देय धन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दर लेंगे, दर को बटा 100 करेंगे, काटेंगे जितना कट पाएगा 1/20 आ गया, ये 20 मैंने ऊपर लिख दिया, 20 और 1 को मैंने जोड़ के यहाँ पे 21 लिख दिया, अब मैंने इन दोनों को जोड़ा ये 41 आ गया और ये 21 को फिर मैंने लिख दिया। यहां मैं किस्त रखूंगा मतलब किस्त का मान, इसे मैं मान लेता हूं x, किस्त को मैं क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं बराबर देय धन। तो अब अगर इसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा 20 गुणा 41 बटा 21 गुणा एक्स रहेगा ही रहेगा बराबर देय धन कितना है मेरा 1640 हो गया। अब अगर आप इसे देखो तो ये मेरा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 41 दूना के 82 ये हो जाएगा एक्स बराबर 2 गुणा 21 गुणा 21, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 441 गुणा 2 तो ये हो जाएगा आपका 882। आपने देखा कितनी आसानी से हमने किस्त का मान निकाल लिया। अगर ये आपको कुछ कम समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए अच्छे से देख लीजिए। आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में
हमें दर की आवश्यकता है, दर हमें दर से वाला सवाल लगता है, मैं ट्रिक से लगाऊंगा, बार बार बेसिक से नहीं लगाऊंगा। आप इसे बेसिक से करके देख सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपकी ट्रिक है 5%, दर हमने कितना है 5%, इसे लिख सकते हैं 5/100, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1/20। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये 20 आया है इसे मैं ऊपर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 20/, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 21। यहां तक बात समझ में आई होगी। गुड़े, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 41, और इस 21 को मैं फिर यहां लिख दूंगा और इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा किस्त, और यही बराबर हो जाएगा देय धन के, और देय धन कितना है 1025। किस्त को मैं x मान लेता हूं, क्योंकि मुझे किस्त का मान निकालना है, तो किस्त को मैंने x मान लिया। अब आप देखेंगे तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, और 50 = 25। ये देखिए, ये 41 × 5 = 205। अब ये हमें मिलेगा 4x = 21 का 21 में गुणा करेंगे 441 हो जाएगा, और गुणा ये वाला 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20 = 22। ये 4 नीचे चला जाएगा, तो इस 4 से मैं इसको काटूंगा, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा, 551 रुपए 25 पैसे। आप देख रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को कितनी आसानी से कर सकते हैं। आप इस ट्रिक को बार बार रिवीजन करिए। अभी मैं जो सवाल करा रहा हूँ 2 वर्ष के लिए करा रहा हूँ, पहले मैं 2 वर्ष के सवाल देखूंगा, फिर मैं कराऊंगा 3 वर्ष का सवाल। तो अब आइए देखते हैं अगला सवाल, आइए देखते हैं अगला सवाल। 1 × 2 = देखिए 2 = किस्तों में देना है, यदि प्रत्येक किस्त का मान, देखिए यहाँ पे किस्त का मान हमको दे दिया गया कितना है 8410 रुपए, और दर भी हमको बताई गई कितनी है 16%। तो आपसे कह रहा है वो धन ज्ञात कीजिए, हमें धन निकालना है, तो इसका मतलब हमें देय धन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दर से उठाता हूँ, दर मैंने ले लिया 16%, इसे मैं लिखूंगा 16/100, 4 से कट जाएगा, 4 × 16, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, कितना हो गया 4/25। इतना तो आपको करना ही करना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 25 को मैं ऊपर लिख दूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। गुड़े, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 14 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 = 4 × 5 = 54 हो जाएगा, बटे इसी 29 को हमको यहाँ फिर लिख देना है और ये ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ मुझे लिखना है किस्त, किस्त लिखना है, और किस्त मुझे दी गई है कितनी 8410, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8410, और यही बराबर हो जाएगा देय धन, और देय धन हमें पता नहीं है जो हमको निकालना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे से आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा पढ़ाई करने में, ठीक है, देखते रहिए, बिल्कुल मजा आएगा। अब मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करूंगा, तो आप ये देखो 25 और ये 54 ऊपर है 25, अच्छा मैं ऐसे देख लेता हूँ कि 29 का स्क्वायर, 29 × 29 कितना होता है 841, इसका मतलब ये 29 इस 841 को काट देगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 25 × 540, 10 अंदर गुणा कर दिया मैंने, बराबर कितना हो जाएगा देय धन हो जाएगा। अब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये 0, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, और 10 = 135, ये मेरा आ जाएगा देय धन, और यही इस सवाल का आंसर है। आप अच्छे से देखते रहिए, लगाते रहिए, आइए मिलते हैं अगले सवाल के साथ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। 21,000 रुपए ये देय धन है हमारा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में देना है, 2 बार में आपको देना है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। फिर वैसे ही करेंगे हम, दर उठाएंगे, दर हमारी कितनी है 10%, इसको हम ले सकते हैं 10/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10, इतना आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद हम बनाते कैसे हैं, इस 10 को मैं ऊपर लिख दूंगा, नीचे मैं दोनों जोड़ के लिखूंगा कितना हो जाएगा 11, गुणा इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 21/11, इस 11 को फिर यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं किस्त, मुझे किस्त बताना है, यहाँ लिखते हैं किस्त, और बराबर देय धन कितना है मेरा 21,000 रुपए मुझे देना है।
अब आप देखो किस्त के स्थान में मैं एक्स लिख देता हूं क्योंकि मुझे किस्त निकालना है। आप देखो कि एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एक्स बराबर 11 के रहिए 121 और ये डबल जीरो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जितने भी आपको सवाल कराए हैं सब दो वर्ष के लिए थे, सभी दो दो वर्ष का था। अगला सवाल अब देखते हैं कि तीन वर्ष के सवालों को हम कैसे करेंगे, उसे कैसे हैंडल करेंगे, वो भी हम ट्रिक में ही करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। ये जो मैंने सवाल लिया है ये तीन किस्तों का है, देखिए कह रहा है तीन बराबर, अभी तक हम दो वाला करते थे अब तीन वाला देखेंगे, चार या पांच वाला पूछा नहीं जाता, लगभग तीन में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, तो सबसे पहले हमें दर चाहिए, दर हमें कितना है 10%, दर को हमने लिखा 10%, इसे मैं लिख सकता हूं 10/100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1/10। इस काम को मैं दो साल वाले में भी करता था, यहां भी मैंने किया, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है, इस 10 को मैं ऊपर लिखता था वहां यहां भी लिखूंगा, इसमें मैं एक जोड़ता था नीचे लिख देता था, मैंने वही काम यहां भी किया, इतना मैं दो साल में भी करता था। अब आप क्या करोगे, आप उसमें गुणा लगाते थे लेकिन आप अब यहां क्या करोगे, प्लस लगाओगे, ठीक है। और इसे मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा 100, इसका वर्ग करूंगा कितना आ जाएगा 121, तीन साल का है मैं तीन बार लिखूंगा, इसका घन कितना आएगा 1000, 11 का घन कितना आएगा 1331, इसे मैं ब्रेकेट में बंद कर दूंगा और मैं यहां भी लिखूंगा किस्त और यही बराबर हो जाएगा मेरा दे। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार आप बैक करके देख लीजिएगा, मैंने इस 1/10 को यहाँ लिखा, 10 मैंने ऊपर लिखा, दोनों को जोड़ा 11 हो गया, इसका एक बार मुझे यहाँ स्क्वायर लिखना है और आगे इसका घन लिखना है, यहाँ पे वर्ग लिखना है, यहाँ पे घन लिखना है, उसी तरीके से यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे घन, यहाँ किस्त मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, और दे धन मुझे बताना है, दे धन कितना है 66200, यहाँ पे मैं 66200, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, तो नए तरीके से है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका लासा लूंगा, ये हो जाएगा 1331, इससे भाग करूंगा 121 आएगा, 121 को मैं ऊपर गुणा करूंगा तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1210, प्लस इससे भाग करूंगा 11 आएगा, 11 को मैं ऊपर गुणा करूंगा ये हो जाएगा मेरा 1100, प्लस ये हो जाएगा 1000, ये मेरा एक्स बराबर 66200 के बाद में ऊपर वाला मैं जोड़ूंगा, ये मेरा 0 0 0 0 रहेगा, 0 0 1 1 आएगा, 0 1 और 2 3 आएगा, 1 1 1 3 बटे 1331 और गुणा एक्स बराबर 66200, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको दो बार में काट देगा 20 आएगा, यहां से मेरा x देखेंगे इधर लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा x बराबर 1331 गुणा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 2 1 कम 2 3 2 नीचे 3 2 नीचे 2 1 कम 2, ये मेरा प्रत्येक किस्त का मान आ गया और यही मेरा इस सवाल का आंसर है। आपने देखा तीन साल के सवाल को भी हम आसानी से इस ट्रिक से लगा सकते हैं। अगर आप इसे बेसिक से करते तो कैसे करते, मैं उसका एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। उसके लिए आप क्या लिखते, आप लिखते देय धन बराबर, आपको मैंने बताया था पहले वीडियो मैंने बताया, ये हो जाएगा एक्स बटा 1 + r/100, एक्स बटा 1 + r/100 की पावर 2, ये हो जाएगा एक्स बटा 1 + r/100 की पावर 3। तो यहाँ पे एक्स क्या है, प्रत्येक किस्त का मान है देय धन। तो अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो ऐसे करेंगे, बाकी अगर आप ट्रिक ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। अभी देखिए ये हमने तीन साल का सवाल बताया, आइए इस पे आगे एक दो सवाल और करके देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं अगला सवाल, आइए देखते हैं तीन वर्ष की किस्त का एक और सवाल दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज की 25% वार्षिक दर, दर कितनी है 25%, तीन बराबर किस्तों में धन चुकाना है, यदि प्रत्येक किस्त का मान, देखिए यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान आपको दे दिया गया है तो कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, हमें किससे मतलब है, हमें दर से मतलब है, हमने दर ले लिया, दर कितनी है 25%, इसे लिख सकते हैं 25 बटा
सौ पच्चीस से कम पच्चीस, पच्चीस चौके सौ, एक बटा चार, पच्चीस से कम पच्चीस, पच्चीस चौके सौ। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, चार को ऊपर लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे, चार और एक पांच नीचे आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे सोलह आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे पच्चीस आएगा, प्लस लगाएंगे, इसका घन करेंगे चौसठ आएगा, इसका घन करेंगे एक सौ पच्चीस आएगा। इसी को ब्रेकेट में बंद करेंगे और यहां देखेंगे प्रत्येक किस्त का मान, और किस्त का मान हमारे पास है कितना, बारह पांच सौ, बराबर यही निकल के आएगा हमारा देय धन जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें निकालना है। अब आप देखिए यहां राशा लेंगे तो एक सौ पच्चीस आएगा, इससे भाग करेंगे पच्चीस आएगा, पच्चीस से गुणा करेंगे पच्चीस चौके सौ हो जाएगा, इससे भाग करेंगे पांच आएगा, पांच से गुणा करेंगे सोलह पंची अस्सी हो जाएगा, और ये हमारा चौसठ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर पांच सौ, बराबर हमको निकालना है, लिख लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये छ आठ और छ चौदह हो जाएगा, आठ छ चौदह हो जाएगा, एक एक दो बटा एक सौ पच्चीस, और बूढ़े में कितना रहेगा मेरा, एक सौ पच्चीस के बाद डबल जीरो, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा सौ। तो जो मेरा देय धन निकल के आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, चौबीस, ये आपका जो आएगा ये आपका देय धन। आपने देखा कि ट्रिक के माध्यम से हम चैप्टर को कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो आज मेरा जो है चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो चुका है, इस पर हमने चार या पांच वीडियो शूट किए हुए हैं, चार या पांच वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक एक बहुत कठिन चैप्टर बना रहता था, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कठिन है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आप अपने दोस्तों के पास कितना ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचा रहे हैं, वही आपकी तरफ से मेरे लिए हेल्प होगी। देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वीडियो बना के शूट करके, तो मैं भी आपसे हेल्प की आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स, दबाइए बेल आइकन घंटे को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।